हेलो फ्रेंड्स, ये है संडे बाज़ार पटरी मार्केट। कंफ्यूज मत होना, ये सदर बाज़ार की नहीं, ये है रोहिणी की संडे मार्केट। इस वीडियो के ज़रिए मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि लोकल बाज़ार में भी क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ये है पटरी शॉप जहाँ पर मिल रहे थे पर्दे, सोफ़ा कवर, बेडशीट्स। और जो अभी बेडशीट दिखाई जा रही है, इस बेडशीट में एक ख़ास बात है कि ये लास्टिक वाली है, जिसे हम बोलते हैं फिटेड बेडशीट। और पूछने पर इसका जो प्राइस बताया गया है वो था 350। और पता है आपको, ऑनलाइन ये कम से कम 500 रुपए की मिलती है। पर्दे कहाँ से स्टार्ट है? अरे रेंज 150। इस पटरी शॉप पे पर्दे वाकई काफी सुंदर सुंदर थे। और वैसे भी कहते हैं ना कि पर्दे हमारे घर और हमारे कमरों को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। मैंने अब पूछे आसन, जो यहाँ पे बहुत ही सस्ते थे। और ये आसन 100 के 2। अब आगे है यहाँ पे बर्तनों की पटरी शॉप, जहाँ आपको चम्मच से लेके कढ़ाई, कैसरोल, लंच बॉक्सेस और किचन में यूज होने वाले गैजेट्स जैसे चॉपर, वाटर बॉटल, चम्मच रखने का स्टैंड, गैस वाला टोस्टर और भी बहुत कुछ। ये कितने का है भैया? 650। मुझे ये यहाँ पर महंगा लगा क्योंकि ये ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था। यहाँ इस पटरी शॉप पे ये है चाय और कॉफी के लिए मग्स। ये कितने के भैया कप? ये है 80 का वन, और दो लेंगे तो 150 रुपए के। इस तरह के लोकल बाजार में आजकल सुंदर सुंदर ग्लासेस भी मिल जाते हैं। और इस टाइप से रेगुलर यूज वाले 80 के 6। ये भी 150 के 6। कांच की हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर सेल 100-100 रुपए में 0 से लेके 3 मंथ तक के बच्चों के लिए, और इनसे बड़े बच्चों के लिए ये दूसरी पटरी शॉप, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। भैया इस तरह की ड्रेस कितने की है? ये बताई गई 350 रुपए की। अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो ज्वेलरी का भी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, लेकिन इस पटरी शॉप पे ज्वेलरी जो थी वो मुझे महंगी लगी। ये थी 200 रुपीज़ की, और इस तरह की जो ज्वेलरी होती है सदर में मिल जाती है 100 रुपीज़ में, बल्कि उससे भी कम रेट में। ये कितने कितने के भैया? अलग अलग रेट है। 200 रुपए का। और ये हेयर एक्सेसरीज, इनका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 80 रुपए से। कॉस्मेटिक और हेयर एक्सेसरीज के लिए भी काफी सारी पटरी शॉप लगती है यहाँ पर। ये क्या चीज है भैया? ये लिप ग्लॉस है, कलर भी आता है और पिंक भी करता है। 50 रुपए का एक पीस। 50 रुपए का एक पीस, ये बताया गया 50 रुपए का। इसी शॉप पे मुझे दिखाई दिए इस तरह के पाउचेस और बैग्स, जो कि यहाँ पे अच्छे यानी कि रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। कैसे दिया भैया? 150 का है। देखना यही कलर, यही डाल, ये एक ही कलर है। ये कितने कितने के? 50 का। ये अच्छा लग रहा है। ये भी मुझे थोड़े महंगे लगे, सदर की कंपैरिजन में किया जाए तो वहाँ पे ये 20-20 रुपए के मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दी ये ज़मीन पर बैठे हुए और कुछ खिलौने लेकर बैठे हुए बेचने के लिए ये बुज़ुर्ग से अंकल। पहले के टाइम में जिन खिलौनों से बच्चे खेलते थे उसी टाइप के खिलौने थे इनके पास। मैं जो ये टॉर्च देख रही हूँ ये थी 10 रुपए की, और ज़्यादातर जो टॉयज़ थे इनके पास वो 10-10 रुपए के थे, और ये बड़े शौक से टॉयज़ दिखा रहे थे। और ये वाला जो खिलौना है ये था 20 रुपए का, और मैंने भी 2-4 खिलौने इन अंकल से ख़रीदे थे। मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा एंकरेज और मोटिवेट भी करना चाहिए। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखते हैं तो सदर बाज़ार में मैं काफ़ी बार कवर करती हूँ सदर बाज़ार की टॉयज़। यहाँ भी मुझे दिखाई दी इस तरह की पटरी शॉप जो कि खिलौनों से भरी पड़ी थी। और अगर रेट कंपैरिजन की बात करूँ तो इसके रेट थोड़े ज़्यादा थे। बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स कितने की है?
ये रही। 130। अच्छा कैलकुलेटर वाली। बैटरी बॉक्स के रेट्स तो बिल्कुल सदर जैसे ही थे। भैया क्या प्राइस के अलग अलग सब एक ही रेट है 150। और ये रिंग्स 150। और इस पटरी शॉप पे किचन और बाथरूम का प्लास्टिक का सामान। लो जी 100 रुपए के दो। 100 रुपए के दो घर में दो। 100 रुपए के दो। हाँ तो घर के लिए तो ये वाले हैं। 100 रुपए के दो। 100 रुपए के दो। ले जाओ मम्मी खुश हो जाएगी आज। ले जाओ ये जो मैट है ये है 50 रुपए का एक। और बाथरूम के मैट ये सिलिकॉन उसमें हाँ ये 250 के दो 500 के चार। ये मुझे रिजनेबल लगे। कितने कितने की भैया? 550। डबल बेड की डबल बेड की बेडशीट विद पिलो कवर थी 550 रुपए की। इस पटरी शॉप पे जो नेक पीसेस थे और इयररिंग्स वगैरह थे वो काफी अमेजिंग कलेक्शन था और इनका प्राइस भी बिल्कुल करेक्ट था और वो था 100-100 रुपए का। इसकी चमक ऐसी रहेगी गारंटी है। ये अंकल जी ये एक पीस दिखा रहे हैं निकाल के कि किस तरह की क्वालिटी है और डिजाइन भी। और ये कानों के लिए इयररिंग्स। इस तरह की मार्केट में एक दो पटरी शॉप आपको इस तरह के दुपट्टों और साड़ीज की भी मिल जाएगी। अब मुझे दिखाई दी बाजार के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी पटरी शॉप जो कि थी बच्चों की और लेडीज की फुटवेयर्स की। तो चलिए देखते हैं कैसा कलेक्शन है फुटवेयर्स का यहाँ पे बच्चों के लिए। इस शॉप पे जो ज्वेलरी का कलेक्शन था ना वो काफी अमेजिंग था और बड़ी सिलेक्टिव आइटम्स थी। ये जो आपको नेक पीसेस दिखाई दे रहे हैं ये थे 400 के, कुछ 500 के, कुछ 700 के। और इस तरह की माला मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी और ये थी 350 रुपीस की। और ये साड़ी सूट और ड्रेस मटेरियल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और ये है इयररिंग्स। और ये इयररिंग्स का डिज़ाइन बहुत ही अल्टीमेट था और मैंने ये खरीदे भी थे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको दो पीसेस दिखाई दिए होंगे इयररिंग्स के जो कि मैंने इसी शॉप से खरीदे थे। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।